देखिए ये राजहट है और राजहट जो है वो हमेशा राज भी तबाह करता है, परिवार भी तबाह करता है। रावण ने राजहट किया था, उससे सीता वापस मांगी थी, नहीं दी, परिवार भी गया और राज भी गया। लड़ेंगे मैं पंजाब में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ेंगे मैं पंजाब में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, बुद्धिजीवियों को, उन सबको हम इकट्ठा एक मंच पे करेंगे। सर किस बैनर पे लड़ेंगे किसान? मंच बैनर तो बाद में देख लेंगे। एसकेएम होगा या कुछ और होगा? नहीं, एसकेएम के नहीं है, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे सदस्य नहीं है, कभी नहीं कहा उन्होंने हमारे सदस्य नहीं है, लेकिन मिशन पंजाब पे मेरा निजी विचार है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं है। बात को बिल्कुल साफ समझा करो, संयुक्त किसान मोर्चे का मिशन पंजाब नहीं है, मिशन पंजाब मेरा विचार है और संयुक्त किसान मोर्चे में मैं शामिल हूँ। आंदोलन की लड़ाई में 3 कानून और MSP वापसी पे, इस पे हमारा संयुक्त मोर्चा। अगली रणनीति क्या रहेगी किसानों की, जिस तरह से देखिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं, चाहे सरकार हमारे सिर फोड़े, चाहे हमारे हड्डियां तोड़े, चाहे हमारे पे मुकदमे बनाए, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी बिना हाथ उठाए लड़ाई जारी रहेगी। हाल ही में जो बोनस दिया है सरकार ने गेहूं पे, गन्ने पे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर सरसों और मसूर को छोड़ दें, सरसों का रेट तो पहले ही मार्केट से ज़्यादा है, MSP से ज़्यादा है, और मसूर यहाँ पैदा ही नहीं होती, बहुत कम है, तो अगर उन दो चीज़ों को छोड़ दें तो 2% रेट बढ़ा है, जबकि महंगाई जो है वो 7% से 8% के बीच करीब करीब इतनी हर साल बढ़ती है, तो इसका मतलब हमें 5% का नुकसान हुआ। या दूसरे शब्दों में ये मानिए कि पिछले साल जो हम 1 क्विंटल गेहूं में जितना माल खरीदते थे बाज़ार से, अब वो 1 क्विंटल 5 किलो में आएगा, यानी 5% का लॉस इस बार हुआ है, जब मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदन दोगुनी करें। ये राजहट है और राजहट जो है वो हमेशा राज भी तबाह करता है, परिवार भी तबाह करता है। अगर हम दुर्योधन का उदाहरण लें, उससे 5 गांव मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिए, 5 गांव पे बात आ गई थी वो भी नहीं दिए, और फिर उसका नतीजा हुआ कि राज भी गया, परिवार भी गया। रावण ने राजहट किया था, उससे सीता वापस मांगी थी, नहीं दी, परिवार भी गया और राज भी गया। वही हाल मोदी का है। अभी हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, अभी तो जो हमारे पास था वही मांग रहे हैं, छीने छीने ना, हमारे से छीने ना, वो मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो छीनेंगे तो देश का जो किसान है वो चुप नहीं बैठेगा और इसका नुकसान सरकार को भी होगा और उनका राज भी जाएगा और किसान की बात ही माननी पड़ेगी। हाँ, 27 तारीख को भारत बंद है और पूरे तरह से बाज़ार भी और सब कुछ जो है पूरी तरह से पूरे भारत में बंद रहेगा। पूरी तैयारियां हैं, जगह जगह पंचायतें करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, मीटिंगें करके, वो सब पूरे तरह देश में बंद होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।